दोस्तों फरीदाबाद के नीलम चौक से लाइव हूँ। नीलम चौक पर जो शराब का ठेका है यहाँ देख सकते हैं, पैकिंग हुई है, शायद शराब की बोतलें हैं, अभी बताते हैं। तमाम बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर की टीम, इंस्पेक्टर संदीप और उनकी टीम, अभी बताते हैं क्या मामला है। यहाँ देखें बड़े अधिकारी मौजूद हैं फरीदाबाद पुलिस के, और भी बात करने का प्रयास करेंगे, जुड़ जाएं, देख रहे होंगे अभी बातचीत चल रही है। जुड़ जाएं, अभी बताते हैं, कोई बड़ा मामला है। यहाँ देखें भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं। ये देखें फरीदाबाद पुलिस की टीम, और ये देखें इंस्पेक्टर संदीप कुमार, और एक ठेका देख लें, तीन चार बोरियों में कुछ सील किया गया है, शराब ही होगी शायद, जो है किस तरह की शराब है, कैसी शराब है, वैध है अवैध है तो पुलिस बताएगी। ये देखें पुलिस के जवान अंदर भी मौजूद हैं ठेके में, और बाहर बड़े अधिकारी मौजूद हैं, बने रहे हैं, अभी तुरंत जानकारी देंगे। ये देखिए आपको फिर बता दें, नीलम चौक है, और नीलम चौक के पास का जो शराब का ठेका है यहाँ पुलिस ने छापा मारा है। ये देखें इन बोरियों में कुछ भरा है, आप जुड़ रहे हैं, जुड़ जाएं, और बड़ा मामला अभी आपके सामने आएगा। फिर बता दें अभी बातचीत चल रही है पुलिस के अधिकारियों में। ये देखें अभी पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। कई जिलों में ऐसा ही चल रहा है, और अभी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है, बस सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं कि नकली शराब ठेके पर पकड़ी गई है। शराब यहाँ सील भी की गई है बोरियों में, अब क्या कारण है, नकली है, वैध है या अवैध है, ये तो अभी पुलिस जानकारी देगी, बड़े अधिकारी। ये तो असली है ना आपका, ये देखिए अभी बातचीत चल रही है। भाई सब क्या नकली शराब है, क्या नकली शराब है क्या ये? अच्छा, अधिकारी बातचीत कर रहे हैं आपस में। हाँ, दो तीन बोरियों में भरी है, पकड़ी गई है। अब
इंस्पेक्टर संदीप CIA बदरपुर बॉर्डर जा रहे हैं अंदर, और इधर देखें बड़ी अधिकारी बाहर खड़े हैं। ठेके के अंदर जाते हुए CIA बदरपुर बॉर्डर की टीम, इंस्पेक्टर संदीप कुमार, और ये देखें मैडम भी हैं, किसी भी मैडम। कोई बड़ा मामला है, दोस्तों जैसा कि सुनने में आता है, आए दिन खबरें आती हैं कि शराब के ठेकों पर नकली शराब सप्लाई होती है। यहाँ क्या मामला है तो पुलिस बताएगी। नकली शराब बनकर बोतलों में सप्लाई की जाती है, ऐसे हरियाणा के कई जिलों से सूचना आती है, पुलिस पकड़ती भी है, क्राइम ब्रांच की टीम पकड़ती है। अब यहाँ क्या मामला है, अभी मीडिया को कुछ देर में जानकारी मिलेगी, फरीदाबाद पुलिस देगी, क्राइम ब्रांच की टीम देगी। लेकिन कई गाड़ी, ये देखें, यहाँ देखें कई गाड़ी हैं, स्थानीय पुलिस की, CIA की, और मैडम देख सकते हैं मोनिका मैडम, DCP मैडम, बस कुछ ही देर में जानकारी मिलने वाली है कि आखिर कारण क्या है, मामला क्या है, क्यों शराब पैक की गई है, क्या अंदर शराब नकली थी, क्या कारण है, या मिलावटी थी, या दो नंबरी थी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा बिहार में, गुजरात में नकली शराब पीने से सैकड़ों लोग मर गए हाल में, और हरियाणा के शायद पानीपत या सोनीपत में भी ऐसा कोई मामला हुआ था लगभग 1-1.5 साल पहले। तो नकली शराब के माफिया पूरे देश में फल फूल रहे हैं, ब्रांडेड शराब ठेकों पर पहुंचाते हैं। देखें मैडम जा रही हैं, मैडम जा रही हैं, ये देखें ठेके के अंदर, और क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, ये देखें इंस्पेक्टर संदीप। ये देखें फरीदाबाद न्यूज पर आप लाइव देख रहे हैं एक बड़ा मामला, ये देखें इंस्पेक्टर संदीप और मैडम बात कर रही हैं फिलहाल। क्या ये जहरीली शराब है, नकली शराब है, मिलावटी शराब है, अभी आपको आपको फिर बता दें। कई राज्यों में जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, और यहाँ भी शायद कुछ ऐसा ही मामला है कि नकली या मिलावटी शराब है। अच्छा ठीक है, कुछ दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि बोतलों में दूसरी शराब भरी गई थी, बोतलों में दूसरी शराब भरी गई थी, जैसे DCP मैडम ने बताया। अभी जो है अंदर भारी पुलिस मौजूद है, ठेके की टीम मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, ये देखें, और इस शराब को शायद अब ले जाया जाएगा। दोस्तों ब्रांडेड बोतलों में नकली शराब या मिलावटी शराब, और यही शराब लोग खरीदते हैं महंगे दाम पे, और शहर के जो मशहूर चौक पर ये ठेका है, नीलम चौक पर चारों तरफ से लोग आते जाते हैं, और यहाँ नकली शराब। दोस्तों नीलम चौक पर नकली शराब या मिलावटी शराब, आखिर क्या कहा, अभी पुलिस बताएगी पूरा मामला। लेकिन बड़ा खेल दोस्तों, लोगों को बेबहुत मार रहे हैं शराब माफिया मिलावट को। ये देखें
देख रहे हैं ज्यादा लालच के चक्कर में जो ठेके संचालक हैं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और खिलवाड़ भी ऐसा कि कम पैसे में कम लागत में ज्यादा से ज्यादा जांच पड़ताल चल रही है लिखा पड़ी हो रही है और इन बोरियों को अभी जो अंदर हैं पुलिस लेकर आएगी जुड़े रहे हैं पूरा मामला हम यहीं से लाइव है पूरा मामला दिखाते रहेंगे आपको भीड़ इकट्ठी होती जा रही है ठेके के बाहर क्योंकि लोग जो लोग यहाँ से शराब खरीदते थे वो हैरान हैं कि भैया इस ठेके पर भी नकली शराब मिलावटी शराब लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं पुलिस के जवान यहाँ देखें क्राइम ब्रांच टीम पुलिस के जवान CIA बॉर्डर DCP मैडम सब यहाँ मौजूद हैं ये देखें भीड़ इकट्ठी होती जा रही है ये देखें तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं इंस्पेक्टर संदीप कुमार CIA बदरपुर बॉर्डर इंचार्ज अंदर गए हैं और मैडम से बात कर रहे हैं ये देखें ये देखें ये देखें तमाम बड़े पुलिस अधिकारी ये बोरियां रखी गई हैं ये देखें आप देख रहे होंगे आपको दिखाई पड़ रही होगी ये बोरियां हैं एक बोतल दिखाई पड़ रही है कपड़ा वगैरह बांधा गया है बोतल ये देखें ये देखें आपको बताया जा रहा है कि ब्रांडेड शराब के लेबल को बोतलों पर चिपका कर महंगे दाम पर शराब बेची जा रही थी जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचती है इसी के बहुत सारे मामले हमने सुने थे ये वही नकली शराब है जिसके मामले हम कई बार सुन रहे हैं यही से यही गाड़ी पहुँची है और लगातार यहाँ पर देखते हैं कोई पकड़ा भी जाता है ठेका सील किया जाता है या क्या किया जाता है क्योंकि नकली शराब या मिलावटी शराब मतलब जहर होता है मतलब लोगों को बेमौत मारता है और कई राज्यों में आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोग नकली जहरीली शराब लगाकर बेची जा रही थी ब्रांडेड लेबल लगाकर इन नकली शराबों को यहाँ पर धंधा किया जाता देख सकते हैं CIA की टीम पूरी यहाँ पर पहुँची हुई है कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि ये जो आप आपके कार यहाँ पर आए कार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये नकली शराब और बढ़ती चली जा रही है ये देखें
ये है सामने जिस शराब को सील किया गया है। सारे अधिकारी जो है मौके पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं पेटियां, बहुत सारी पेटियां। अब भी पुलिस बातचीत करने में जुटी है। लेकिन जो बेचे भी और बताएंगे जुड़ जाए।